Hi kids. Hi sir. देखो, फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. देखो, आपने फिश देखी है ना, Yes, कि sir. अलग 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 साइज की होती हैं फिश. Yes, कुछ sir. छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं. द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो जो सबसे छोटी जो फिश है वो कितने सेंटीमीटर लंबी है? 1 सेंटीमीटर. पता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है, जो हमने देखा ना स्केल में, 1 सेंटीमीटर की. ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन. तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको सोचना है कि जो सबसे लंबी फिश है वो कितने सेंटीमीटर लंबी हो सकती है. जरा इमेजिन करो, कितनी हो सकती है तुम्हारे हिसाब से लंबी फिश? 50 मीटर. चलो 50 मीटर. 50 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो 50 में कितने हो गए? 5000. 5000 सेंटीमीटर. चलो, आपने इमेजिन किया कि कितनी मीटर लंबी हो सकती है एक फिश? 50 मीटर्स. ओके, अब वो बोल रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिगर फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश. अब देखो, सबसे स्मॉलेस्ट फिश कितने की है? 1 सेंटीमीटर की. ठीक है, और तुमने बोला कि जो आपकी जो सबसे लंबी फिश है वो कितने की है? 5000 सेंटीमीटर. तो कितनी बड़ी हो गई इससे, कितनी गुना बड़ी हो गई है? ये जो छोटी फिश है, ये जो बड़ी फिश है, ये इस छोटी फिश से कितने गुना बड़ी हो गई? 5000. सीधे सीधे है ना, 5000 गुनी बड़ी नहीं हो गई? 5000 को जब 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 5000. तो 5000 गुनी क्या हो गई वो इससे बड़ी. अब देखो, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क. जो सबसे बड़ी जो दुनिया में जो मछली होती है वो कौन सी है? व्हेल शार्क. इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग बिग फिश. वो बोल रहे हैं कि ये व्हेल नहीं है, लेकिन ये व्हेल से भी व्हेल, लेकिन ये है क्या, ये एक मछली. व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश. जो व्हेल होती है ना, व्हेल जो होती है वो मछली से क्या होती है, बिल्कुल ही अलग होती है. अब देखो कैसे अलग होती है. व्हेल्स ब्रेथ लाइक वी डू. जो व्हेल होती है ना, व्हेल जो सांस लेती है वो हमारी तरह लेती है, जैसे हम लेते हैं. हम कैसे लेते हैं सांस? मुंह से या नाक से. बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर. लेकिन जो नॉर्मल जो मछलियां होती हैं उनकी नाक नहीं होती है, वो कैसे लेती हैं सांस? फेफड़ों से, गिल्स से. गिल्स से लेती है ना, लेकिन हम लोग तो गिल्स से नहीं लेते. तो लेकिन जो व्हेल होती है, व्हेल कैसे लेती है सांस? नाक से, जैसे हम लेते हैं. तो इसलिए वो मछलियों से क्या होती है? अलग. व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज. अब जो व्हेल होती है, व्हेल जो जन्म देती है, वो सीधे किसको जन्म देती है? बच्चों को. वो अंडे नहीं देती. जबकि जो नॉर्मल जो मछलियां होती है वो क्या देती है? अंडे. बट फिश ले एग्स. द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस. जो व्हेल शार्क है वो बहुत ही क्या होती है, बड़ी होती है और बहुत ही क्या होती है, खतरनाक. बट इज क्वाइट हार्मलेस, इट डजेंट अटैक ह्यूमंस. लेकिन जो हम लोग हैं, मतलब आदमियों पे, मानव जाति पे वो हमला नहीं करती है. मतलब जैसे कि अगर गोताखोर भी अगर समंदर में चले जाएंगे तो उन पे भी वो नॉर्मली अटैक नहीं करती है. ह्यूमन बींग पे मतलब वो अटैक नहीं करती है. वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर. तो वो बोल रहे हैं कि जो व्हेल शार्क है वो कितनी मीटर लंबी है? लगभग 18 मीटर. मतलब जो हमने इमेजिन किया वो हमने बहुत ही ज़्यादा क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया. लेकिन वो नॉर्मली कितने मीटर की है? 18 मीटर की. जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ yours साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे जो बच्चे, जैसे तुम लोग हो, ठीक है, तो हम नॉर्मली कितने मीटर के होते हैं? 1 मीटर के या 1.5 मीटर के होते हैं हम. तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुम जैसे 12 बच्चे एक दूसरे के सर पे खड़े हो जाए लंबे में, तो मतलब इतनी बड़ी, इतनी लंबी मछली है. मतलब हमारी पूरी क्लास के बराबर अगर एक दूसरे के ऊपर हम खड़े हो जाएं, तो इतनी लंबी मछली है व्हेल शार्क एक. समझ गए? वेल, मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वे. इट्स वेट इज अबाउट 16,000 kg. और उसका जो वजन है वो लगभग कितना किलो है? 16,000 किलो. 16,000 किलो. अब मतलब हम में से एक बच्चा कितने किलो का है? लगभग 25 किलो के हो आप. तो मतलब 12 बच्चे कितने किलो के हो गए? 12 को 25 से गुणा करके कितना आएगा? 12 पंजे 60 का 0. ठीक है, 12 पंजे 60 का 0. और 12 दूने 24 अच्छे कितने हो गए? 30. तो कितने हो, कितने किलो हो गया? 300. मतलब 12 बच्चे लगभग कितने किलो के हुए? 300 किलो के. लेकिन यहाँ वजन कितना है? 16,000 किलो. ठीक है, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वे. तो कितने किलो के हो आप? कितने किलो के हो? 25 केजी. सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट कितना? 25 को हम किसे गुणा कर देंगे? 12 से. 12 पंजे 60. 12 दूने 24 अच्छे 30. तो कितने किलो हो गए? 300 किलो. अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर. अब देखो, तुम्हारा टोटल वजन कितना आया? 300 किलो. और व्हेल का, एक व्हेल का कितना है? 16,000.
तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि जो एक व्हेल मछली है उसका वेट आपसे कितना गुना ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा? भाग। किसमें भाग देंगे? 300 से हम किसमें भाग देंगे? 16,000। अब देखो ये दो जीरो थे, ये दो जीरो कट गए, अब कितना बचा? 3 और 160। अब भाग दो, 150 हो गया। 0 को 0, 6 में 5 क्या 1। ठीक है, लगभग कितना गुना हो गया ये? 50 गुना, मतलब 50 टाइम्स क्या है वो हमसे ज्यादा बड़ी नहीं, भारी। भारी, वेरी गुड। क्या? भारी, समझ गए?